नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है रॉयल बुलेटिन। दर्शकों, आज रॉयल बुलेटिन अपना चुनावी सफर तय करते हुए बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सोनी तगान गांव में आ पहुंचा है। आपको मैं बता दूं, यह मुजफ्फरनगर जिले में आता है और मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। यहाँ से विधायक रहे हैं बुढ़ाना से उमेश मलिक, जो कि भाजपा से हैं। अब चुनाव नज़दीक हैं, गाँव के अंदर लेकर चलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ कि इस बार उनका चुनाव पर क्या मूड है और भाजपा के 5 साल कैसे निकले हैं। रामफल सैनी, कहाँ से आ रहे हो? निर्माण से। निर्माण से कैसी लग रही सरकार? सरकार बेकार लग रही भाई, मतलब बढ़िया लग रही। कैसे निकले 5 साल? बेकार निकले हमारे तो। क्या समस्या रही? सारी समस्या तो सुख क्या मिल गया इसमें? अरे इतनी महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल साले ट्रैक्टर चलाने भारी हो गए किसान को। बोला भाई गन्ने का पेमेंट बता रहे 15 भी मिला हमारा तो 2 साल हो लिया सर, अब लोग नहीं आया बढ़ाने का। बिल की पेमेंट नहीं आ रही ना। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तो बेचारा मारा मेरे क्या, पहले उसका हाथ पकड़ा था, खींचा फिर ऐसी अब दे रखी हुआ विधायक, अब जाओगी जोन से सपना। तो विधायक जी बढ़िया धीरे ना बढ़िया ना है, हमारे लिए तो बढ़िया रहा नहीं, और के लिए रहा होगा। कौन सही रहेगा चुनाव में फिर? अब का सपा रहेगी बढ़िया। सपा? हाँ पक्का पक्का 100 के 100%। कौन बढ़िया रहेगा? अरे भाई मुझे नहीं पता। दिनेश कुमार। दिनेश जी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 साल की उम्र। 50 साल की उम्र हो गई। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, अभी तक पसंद कौन बन पाया आपकी? पसंद तो भाई यहाँ दरअसल क्या है, बदलाव चाह रही है जनता यहाँ की। समाजवादी सरकार में बहुत काम हुए हैं, अखिलेश यादव युवा नेता है, नई सोच है, पढ़े लिखे हैं, ऐसों की अब जरूरत है देश में। उतर गया तू एक। तो पढ़े लिखे तो योगी जी भी हैं, युवा हैं। कहाँ एक डेढ़ साल का अंतर है? कहाँ युवा है, क्या अनुभव है? एक डेढ़ साल का अंतर है, क्या अनुभव है उनके पास में? योगी जी भी यार नहीं, क्या अनुभव है योगी जी के पास? योगी जी का विजन तो दिखाई दे रहा है, सिवा हिंदुत्व के और कोई काम नहीं है। शिक्षा पे कोई नहीं है, चिकित्सा पे कोई नहीं है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, हर कोई आदमी परेशान। विधायक जी तो अब दिखाई दिए थे यहाँ 2-4 महीने पहले, यहाँ एक उद्घाटन करके गए यहाँ गाँव में हमारे एक सड़क का, आज तक तो पूरी नहीं हुई। हाँ हाँ बस 5 साल में ये मिला। वो भी पूरा नहीं हुआ, वो देख सड़क अभी ऐसी पड़ी है, ऐसी पड़ी है। हाँ उद्घाटन कर गए 5 साल में ये दिखाई दिए। अब आपके अनुसार गठबंधन सही रहेगा? गठबंधन ही मजबूत है, गठबंधन ही यहाँ से चुनाव जीतेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक। आपका गसिट्टा? गसिट्टा जी ये काम करते हो आप? हाँ जी सही चल रहा है काम धंधा सब? हाँ अपना करो जा, इसमें टेम सा काटो जा अपना। और अब सही काम करो, पहले कुछ और करते थे? नहीं वही करो, झिमा रहा हूँ, खेती बाड़ी का भी काम करो। खेती बाड़ी का भी करो? हाँ तो बढ़िया जानकारी होगी हर चीज़ की। हाँ अभी बताओ 5 साल कैसे कटे? बस बढ़िया कटे जी। बढ़िया कटे? हाँ सबसे बढ़िया कटे या बस बढ़िया ही कटे? बस बढ़िया ही अपना कट रहे बस। मजा नहीं आ रहा? हाँ मजा नहीं आ रहा है, काम धंधा सही चल रहा। हाँ तो चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार आपके अनुसार? हमें तो सुनो कहूँ तो बका इसकी सुनी वाले की दे लो। सुनी वाले की? सुनी वाले की? हाँ सुनी वाला कौन है? रोज उड़ा दिल्ली में राज कर रहा अरविंद केजरीवाल। हाँ। वो पसंद है? हम बंद कहा था मैं इस गाँव में आने का नहीं। फिर कौन? वही अरविंद केजरीवाल। हाँ यहाँ आए थे गाँव में? हाँ गाँव में आए थे। क्या क्या गए थे? था मेरी पूरी वो हुई और तो गाँव में ना कहीं फिर कभी भी। तो तुम्हें वो बात दिल पे लग गई? तो और क्या भाई है बड़ा। आपका? मेरा नाम तपन त्यागी। तपन जी आप क्या करते हैं? मैं तो खेती करूँ जी। खेती करते हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मूड लग रहा है? इस बार तो जी ना बीजेपी वालों को तो वोट बिल्कुल नहीं देनी, चाहे धरती इंगा सब खेत कोहरे खा गए हों। एक डब्बा महंगाई, किसान का कुछ हुआ नहीं 5 साल लो, और बिल्कुल ही ना तो अगर यहाँ तो कोई वोट दे नहीं रहा जी मेरे गाँव। आपको नहीं देते विधायक? ना जी अभी विधायक तो ढेर माड़ा, इस तक घटिया आदमी नहीं है कोई। क्यों? यहाँ से बैंक मतलब लोगों के पैसे उड़ रहे थे, लोग इसके थोड़े जा रहे थे, उन्होंने कहता जी बैंक मतलब उड़े हुए तो आज लो आई नहीं किसी के। अच्छा तो इसलिए बेकार है विधायक? बिल्कुल बेकार, यहाँ सड़क पड़क भी कोई ढंग की नहीं बनवाई, आ रही पुलिया इस पर निगाह मारो जी, यहाँ आ रही यहाँ पुलिया थी बढ़िया वाली पटी पड़ी बिल्कुल नहीं बनी, कोई रुद सुध नहीं ले रहा, और किसान तो बिल्कुल खिलाफ है जी। तो क्या चाहिए चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार जो है गठबंधन आवेगा, अखिलेश की सरकार बनवाओगे। अच्छा क्यों बनवाओगे अखिलेश की सरकार? अखिलेश बढ़िया, किसानों के लिए सबसे बढ़िया जी, किसानों के सबसे बढ़िया। हाँ जी हाँ ठीक, किसान सब उसे ही दे रहे जी हमारे गाँव के। तो अक्षु त्यागी। आप क्या करते हैं अक्षु जी? खेती है। खेती करते हैं? युवा है? हाँ जी। युवाओं के 5 साल कैसे निकले हैं? युवाओं के तो
बस सरकार के हिसाब से तो बहुत अच्छे निकले, सारे बेरोजगार कर दिए, सब पथेड़ी पिटवा रहे, जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। हाँ। विधायक जी कैसे हैं, जुमलेबाज है नहीं है? बस जैसे उस्ताद होंगे विधायक जी भी ऐसे ही होंगे, चेले उस्ताद। विधायक जी तो एक जड़ी, जब ऊपर तो खराब तो विधायक जी क्या कर लेंगे। दिखाई दिए 5 साल में? नहीं दिखाई दिए कभी कभी नहीं, आ जाते 2-4 आदमी पकड़ रखे उनके द्वारा आ जाते, बस अपना वही। विकास को दिखता है नहीं दिखता क्षेत्र में? नहीं, विकास बहुत करा। हमारे गांव में एक सड़क दी थी, वो अब तक उस पर पत्थर बड़ा, ये विकास हुआ है बस 5 साल में ही विकास हुआ। हाँ, वो अब तक बनी नहीं। अच्छा, युवा है, इस बार क्या मांगे हैं युवाओं की, और कौन पसंद है पहले युवाओं की? युवाओं की पसंद तो जो रोजगार देगा वो। आपके अनुसार कौन देगा रोजगार? पहले भी सरकार रही गठबंधन और अखिलेश जी की, ये धरती से जुड़े हुए नेता। हाँ, इन्हें परिवार का भी पता, परिवार कैसे चला, परिवार में क्या खर्चा। जब उन्हें परिवार का ही नहीं पता, उनके आगे नहीं पीछे नहीं कुछ, वे क्या, तो वे तो महंगाई बढ़ाऊंगी। तो आपके अनुसार गठबंधन सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। आपका? राजीव त्यागी। आप क्या करते हैं त्यागी जी? खेती करते हैं। ये 5 साल बताइए किसानों के लिए कैसे निकले, सफल रहे नहीं रहे? बहुत बढ़िया रहे। कैसे बढ़िया रहे? गुंडागर्दी नहीं रही। गुंडागर्दी नहीं रही। हाँ। सब सही सलामत रहा, सही सलामत रहा। हाँ। और इनकी योजना में सब गुंडागर्दी रहा, खाओ भी और खान बिन देते। किनकी योजना में? शहरियों में ही। अच्छा, और सबकी योजना में ऐसे रहता? हाँ। है आपको खाओ और को खान नहीं देते। अच्छा। और ये? ये ना आपको खाओ या ना दूसरे को खान दे। अच्छा अच्छा, विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी और सब बढ़िया। विधायक जी बढ़िया दिखते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं दिखते? और सब तो पहले खाऊंगा, सब बढ़िया। और तो और सब बढ़िया। तो चुनाव में क्या होना चाहिए तो बता दो। चुनाव में भाजपा जीतनी चाहिए। भाजपा जीतनी चाहिए। हाँ। उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, भाजपा सही रहेगी आपके अनुसार। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशील त्यागी है भाई। सुशील जी क्या करते हैं आप? मैं तो किसानी करता हूँ जी, ट्रैक्टर खड़ा मेरा ये इधर। किसान है जी। 5 साल बताइए किसानों के अनुसार कैसे निकले हैं? किसानों के लिए तो दुर्गति ठहर दी जी। कैसे? दाई का कट्टा अभी 1800 रुपये का होने वाला बता रहे, जो पोटास का कट्टा उस पर पैसे बढ़ा दिए। हाँ। 5 किलो खाद कम कर दिया। हाँ। भाई इतने दुखी किसान हो गया। अभी मान लिया चलो हमारा मिल तो पेमेंट दे रहा है, जैसा भी कैसा कर रहा है अगर, लेकिन जो हर चीज़ तो महंगी, बिजली इतनी महंगी, बिजली कितनी महंगी, बिजली का तो इतना बुरा हाल कर दिया। बिजली बता क्या करेगा उसका जो। तो 5 साल बड़ी समस्या में निकले हैं। 5 साल तो इतनी समस्या में निकले, सिवाय झूठ का पुलिंदा बांधने के अलावा और कुछ काम नहीं हो गया। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी ने यहाँ एक बार बाईपास बन दी थी, उस वो नहीं बना, वो उद्घाटन करके थे उसका 8 महीने पहले। आप लोग तो उसमें कोई काम करना आया नहीं, हमारे स्टार्टर तार लिए सारे, नुकारे चोरी खत्म होगी, चोरी जो हमारे सारे स्टार्टर उतार लिए, मतलब 20 आदमियों के स्टार्टर उतार लिए यहाँ से, जो जंगल में खेत में पैट लिया जो। अब चुनाव है, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा या गठबंधन, कौन सही रहेगा आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो राष्ट्रीय लोकदल सही है। गठबंधन सही है? गठबंधन सही है बिल्कुल। क्यों सही लगता है वो आपको? हमनु सही लगे वो भाई, वो बेचारा किसानों की बात करे, सबसे ज्यादा पैसे अखिलेश ने और मायावती ने बढ़ाए, हमें दोनों बढ़िया थे। इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए 6 साल में। तो आपके अनुसार गठबंधन सही रहेगा? हाँ, गठबंधन हमारे हिसाब से तो सही है। मेरा नाम सुबोध कुमार। सुबोध जी आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, शिक्षा मित्र। शिक्षा में टीचर है? हाँ जी। क्या हाल चाल चल रहा है? शिक्षा मित्रों का हाल चाल खराब कर रखा है इस टाइम, इनकी सरकार जब से आई इन्होंने इनका और जो मानदेय 40,000 था वो इन्होंने 10,000 रुपये कर दिया, 45,000 रुपये मिल रहे थे अच्छी रोजी रोटी, जिसमें कम से कम 5,000 लोग मर चुके हैं। हाँ। और शिक्षकों की जो पेंशन थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने, मतलब मुद्दा इनके पास और कुछ नहीं है, कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद और जुमलेबाजी बस, इसके अलावा और कुछ काम नहीं निकला। पिछली बार जो चुनाव थे आप भी बहके थे किस में जी? हाँ बहके थे जी, हम उसमें हमें लगा था कि कुछ करेंगे ये, पर नहीं, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। हाँ। और जो किसानों का था, किसानों का तो काम खराब ही कर दिया। अगर किसान इतने उस पर ना लड़ते, किसान क्यों खिलाफ है इस टाइम? क्यों खिलाफ है? क्यों महंगाई बढ़ गई? जो इनकी दवाइयाँ वगैरह इन्हें मिलनी थी सही रेट में वो नहीं मिलती। गन्ना कितना बढ़ाया ना 5 साल बाद, अब बढ़ा, इससे पहले कहाँ थे? अभी तो बढ़ा 25 रुपये इन्होंने। हर चीज़ में महंगाई है। तो आपके अनुसार सरकार फेल रही है हर चीज़ में फेल है वाली है। गुंडागर्दी है नहीं है? गुंडागर्दी जो पहले थी, 100 नंबर चलाई थी अखिलेश ने, जब से काम होनी शुरू हो गई थी। हाँ। अभी अपना बताऊंगा, हमने कर दिया मंदिर को बनाने को बताओ, कोर्ट द्वारा मंदिर बना, इनका कोई इसमें रोल नहीं है। तो आपके अनुसार फिर कौन सही रहेगा? कौन सही? हमारे साथ किसान यूनियन गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे जी। ठीक जी। आपका आदेश त्यागी सोनी तकान से।
समझ तक आंसर ये बीड़ी फेंक दोगे? हाँ फेंक दी। अब बताओ आप भी किसान हो? हाँ जी। कैसा लग रहा है 5 साल में? बस कुछ नहीं लग रहा। क्यों? दुर्गति दुर्गति। मैं तो गायन मानने तैयार हो रहा बोलती सौ मगर साल ले तू देखोगे अब कहूँ? अब देखोगे? हाँ देखोगे। आपको पक्की बात? पक्की हो तो कैसे देखोगे? किसान यूनियन के आदमी हम तो। किसान यूनियन के आदमी क्या समस्या रही किसानों के लिए है? किसानों की क्या समस्या रही? समस्या से गांड फट गई थी मगर एक बात सुन ले बोलती मैं तेरी खुद ही छोड़ दो। हाँ। फिर क्या हुआ? बस अब एक रुपया नहीं बढ़ा लो नुकसान की तो बात हुई थी। हाँ एक रुपया नहीं बढ़ा लो। आपके कहने से भी हैं? आपके कहने से भी? मेरा क्या कहना है? मैं तो पतंग का मुझे लोग सिखाओ वो मैं संटो बजरू बहन करूँ दोस्त यार को। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी के नाम पर चुप हो गया आप? किसके? विधायक जी के। मेरे लड़ रखा है विधायक। विधायक दिखाई दिए? दिखाई दिए कभी? हम तो किसान यूनियन के आदमी भाई। किसान यूनियन तो भाजपा के साथ जारी दिखा है? अरे हाँ क्यों देखो इसको नुका कर भाई देखो नहीं पा रहा नैने में गांठ लग जा छुटे चावल बंद हो एकदम छूट दे चावल की जरूरत नहीं है। तो कहाँ जाओगे फिर ये तो बता दो। भाजपा पे जाएंगे भाई। हम भाजपा पे जाओगे? नहीं भाजपा पे जाते नहीं किसान यूनियन पे जाएंगे भाई। किसान यूनियन कहाँ जाएगी? राजपाल पे जाएंगे। राजपाल अपनों का राजपाल पे पक्का भाई माहौल लगवा रहे और क्या। मेरा नाम जोनी कुमार। क्या करते हैं जोनी जी आप? किसान हो जी। किसान है ये क्या लगता है इस बार किसानों का क्या मूड है? नाराज है खुश है? नहीं नाराज है जी। नाराज किस बात से है? बस नाराज दुखी है किसान सब तो ज्यादा इस सरकार में दुखी हूँ। इसके इसके झांसे में आकर लोगों ने वोट दी किसानों ने ही वोट दी से ज्यादा। अब भाई यो कर दूंगा वो कर दूंगा 23 लोग का मुझे टाइम दो 22 लोग का मैं दूनी कर दूंगा ये और बहुत दुखी हूँ। मतलब मजा नहीं आया? नहीं इतनी उम्मीदों से आप लोगों ने जिताया था जी इतनी उम्मीद खड़ी उतर पाई? नहीं उतर पाई। नहीं उतर पाई खड़ी नहीं उतर पाई। विधायक जी कितने खड़े उतरे? विधायक जी तो सब तो खराब ही रहे जितने विधायक हमने देख लिए अपने उसमें 5-7 इलेक्शन सब तो खराब ही रहे। जगह जगह इनके अड्डे बन रहे ठेकेदारों उन ठेकेदारों के महतात काम हो जो भी हो और काम गांव के किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ जिस तरीके से मैं उनके ठेकेदार कह दें उसी हिसाब तक काम हो। बस तो क्या मूड है अब तो मजबूती का मतलब महागठबंधन तो जो हुआ इसके विरोध में सबका ये मूड हो हमारे विधानसभा का महागठबंधन राज्यपाल का हो इसके साथ में। मेरा नाम मोहम्मद त्यागी है। आप क्या करते हैं त्यागी जी? खेती कर रहा है। खेती करते हैं। हाँ विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी कुछ नहीं रहे या सरकार मेरी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। सरकार मेरे लिए बिल्कुल जहर का देने का काम कर रही है। फ्री की फीस दे रहे स्कूल में 2 साल हो गए बिना बस में बैठो का किराया हो। अच्छा जी यार क्या नाम जो इन 7 सालों में 20 रुपये बढ़े सारी चीज महंगी इतनी होगी मैर मुलक की हम तो वोट इसे देने वाले है नहीं ना इसकी वोट है। तो वोट किसे दोगे? वोट हम तो क्या नाम जो भाई गठबंधन को देंगे। गठबंधन को क्यों दोगे? नहीं देंगे हम परिवर्तन चाह रहे बिल्कुल भी इन्होंने झूठ बोले झूठे के हम खिलाफ हूँ बिल्कुल। ठीक है गठबंधन। मेरा भाई भानु त्यागी। भानु क्या करते हैं आप? भाई अभी ट्रैक्टर लेकर रहा गोले लेकर हाँ किसानों की अच्छी खासी जानकारी होगी। बढ़िया वाली 5 साल कैसे निकले बता दो। बढ़िया वाले निकले। क्या समस्या रही? सफल रही समस्या रही? भाई फसल की रही मार तो हाँ। अब कल भी क्यों एक ना सारा नहीं करा हाँ। अन्य वैसा कोई दिक्कत नहीं पर्ची बढ़िया रही पेमेंट बढ़िया रहा पेमेंट बढ़िया आ रहा हाँ 8वें दिन दे रहा अब लोग कोई सी सरकार ने नहीं दिया। अच्छा युवा है आप? हाँ भाई। रोजगार की समस्या रही नहीं रही? नहीं रोजगार तो जब करेंगे जब घर से पंडा छूट जाएगा भाई जब गरीब होते इला फिर भरा क्या करेंगे हम जाकर और भरे वालों को मिल रहा चाहे थोड़े कम पैसों की नौकरी मिल रही हो। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक भी बढ़िया रहे मैं तो भाई बढ़िया रहे बिल्कुल हाँ मरने जीने में हर बड़ा हमें। अब चुनाव पे क्या होना चाहिए आपके अनुसार? भाई भाजपा ही आनी चाह भाजपा आनी चाह हाँ। आपका क्या नाम है जी? प्रशांत त्यागी जी। आप क्या करते हैं प्रशांत जी? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं हाँ जी। क्या लगता है चुनाव में क्या हो रहा है इस बार आपके अनुसार?
मेरा अनुसार तो भाजपा आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए, तो क्या कारण है जो भाजपा आनी चाहिए? वैसे सही काम कर रहा है अपना, और क्या सही काम कर रहा है। गुंडागर्दी है नहीं है? नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले क्या माहौल रहता था आपके अनुसार? पहले तो गुंडागर्दी थी काफी। पहले मैं बताऊंगा भाई, 20 जने जानते पहले मील में, और जब भी एक अद्धे को लूट लेते जो उनसे ट्रैक्टर हलवा सा पीछे रह जाता, और अब जैसा हो रहा किला चले जाओ वही गन्ने के एर का आ जाओ। अच्छा आप बताइए, आपके अनुसार भाजपा सही रहेगी फिर? भाजपा ही सही है जी। विधायक जी कैसे रहे हैं 5 साल में? सही है जी, वैसे तो हमारा तो कुछ लेना देना तो है नहीं गांव में, हम रहते नहीं। विकास दिखता है वैसे क्षेत्र में? सब विकास है, बढ़िया सब। बाबा जी आपका? लक्ष्मण सिंह। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 बरस। 80 साल की उम्र हो गई, सरकार बहुत देखी होंगी। अभी तक सबसे बेहतर कौन रहा है आपके अनुसार? सारी बेहतर रही भाई। सारी बेहतर है, एक तो पसंद होगा कोई? नहीं है, हमें तो सारी बेहतर लग रही भाई। सारी बेहतर लग रही है। 5 साल कैसे निकले हैं भाजपा के? बढ़िया निकले। कैसे बढ़िया निकले, क्या हुआ? सब काम दे रहे हैं, राज भी दे रहे हैं, हर बार सब काम ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं सब काम, पक्का? पक्का। विधायक जी कैसे रहे? बढ़िया। कुछ कराया क्षेत्र में? नहीं कराया। कराओ ना कराओ पर बढ़िया रहे, करो ना करो तब भी बढ़िया। अब चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में तो भाई समझ है अपनी अपनी जगह। आपकी क्या समझ है? मेरे भाजपा गए आज में। भाजपा सही है आपके लिए? हाँ। ठीक। आपका क्या नाम है बाबा जी? मनसा राम। कह रहे हैं भाजपा ने सब कुछ करा? हाँ भाई करा। हाँ करते रहे भाई, गरीबों को तो ना दे रही, पेंशन दे रही, वृद्धा पेंशन भी दे रही। वृद्धा पेंशन भी दे रही आपकी? आ रही। हाँ आ रही। अरे अभी तक सबसे बढ़िया कौन लगा भाजपा को छोड़ के? भाई बढ़िया तो भाजपा लग रही, काम अपना अच्छा काम कर रही भाई। अच्छा काम कर रही, जो काबिल आदमी उसे जगह भी दे रही। और विधायक जी कैसे रहे? विधायक भी बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। हाँ। क्या नाम है जी आपका? श्यामा। श्यामा जी आप क्या करते हैं? मजदूरी करा। मजदूरी करते हैं आज। क्या लगता है, कह रहे हैं सब भाजपा बढ़िया रही है? आज भाजपा तो बढ़िया रही। कैसा बढ़िया रही? सारी सुविधा दे रही, कोटा भी मिल रहा और सारी चीज मिल रही, सब बढ़िया चल रहा। विधायक जी कैसे रहे? विधायक भी बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। तो भी दिखाई दिए क्षेत्र में? दिखाई दिए। हाँ जी। तो आपके अनुसार भाजपा सही है? हाँ जी। आपका? गौरव। गौरव आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार बताइए, युवाओं को रोजगार देने में सफल रही नहीं रही भाजपा? भाई ऐसा देखो, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जब मैं छोटा था, तो मैं अपना खेती में लग गया था, बीएमएन ना कर ली थी, तो जब उस समय खेती कर रहे हैं, तो 2013-14 में जब मोदी जी आए थे हमने भी उड़ दी थी, चलो भाई कोई नवाचार है ना कोई कुछ बात होगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं लगा हमें कोई काम इनका मोदी जी का। सबसे पहले योगी जी को ना मुख्यमंत्री बना दिया, अभी मैं गोरे खेत का खेत में था और 20 बार जा चुका हूँ सुबह तक, और अभी कपड़े बदल कर लोअर बदल कर यहाँ बैठा है। गोरे मतलब बिजार? बिजार बिजार जान गोरे। हाँ गोरे बोल लो गाँव की भाषा में। ठीक है ना, बिजार जो है ये कई जगह जो लोगों से बातचीत करते हैं बिजारों की प्रमुख समस्या लगती है। हाँ लेकिन बिजार छोड़े तो आप लोगों ने नहीं, नहीं समस्या तो बहुत है ना, बिजली का बिल। अब गन्ने का रेट बढ़ाना ना 5 रुपये साले तो बैठा है, उससे क्या हो रहा है? अब ये कह रहे हैं 2000 रुपये दे रहे हैं भाई, 2000 रुपये 14 दिन बैठ रहे, 14 रुपये दिन बैठ रहा है किसान का, बीड़ी का मंडल तक मजिश नहीं आता जी। तभी देखो क्या हो रहा है, तू मेरे गन्ने के फसलों के रेट दे दे, हम डबल, मेरे तो आए जब होगी डबल, नहीं तो आए डबल कैसे हो जाएगी? आए दुगनी हुई नहीं, कैसे नहीं कोई दुगनी कैसे होगी? तो उन्होंने बताओ मैंने 12 बीघे गेहूँ बो रखे, और 12 बीघे में जब वे गेहूँ खा जाएंगे तो मेरी दुगनी आय क्या होगी? 2000 रुपये क्या करूँगा मैं 2000 रुपये क्या करूँगा? और रही बात इनकी विधायक साहब की, अभी यहाँ मैं उद्घाटन करा रहा हूँ उसका सड़क का, यू दी बस 1.5 बिलियन की बस सड़क का, आज तक काम पूरा नहीं है उस पर। ठीक है नहीं नुका है, आचार संहिता चल रही, पूर्वाले आन जाओ आप, आचार संहिता में काम चल रहा है, आचार संहिता में ही काम चल रहा है। हाँ तो सब जुगलेबाजी इनकी, कोई काम नहीं है इनका। तो अब कौन पसंद है आपकी? गठबंधन। गठबंधन क्यों? गठबंधन ही हो, चेंज चाह रहे हम, बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हम, नहीं वोट देते। ठीक। आपका? नरेश। नरेश जी आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ मजदूरों के अनुसार बताइए, 5 साल सफल रहे नहीं रहे? नहीं बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। हाँ कैसा बढ़िया रहे? क्या भाई किसी तरह परेशानी, जंगल बाहर में किसी तरह चले जाओ अपना। पहले क्या माहौल रहता था? पहले तो जी रात बिरात कुंजे ऐसा करने कहीं, पहले ऐसा माहौल था गुंडागर्दी का। हाँ लूटपाट का। हाँ अब बिल्कुल सही है? अब बिल्कुल सही है। अच्छा विधायक जी कैसे रहे? वो विधायक जी तो कम ही आओ। कम आए। हाँ
कुछ दिखता है सड़क वड़क बनी हुई कहीं नाम का पत्थर लगा हुआ कहीं कुछ दिखता है? इधर तो लग नहीं रहा, पूरे गांव में, पूरे गांव में लग रहा होगा कहीं। यहाँ तो है नहीं जी, आपके मोहल्ले में नहीं है? नहीं। कौन सा मोहल्ला है ये? ये चमारा का मोहल्ला है। चमारा का मोहल्ले में कहीं कोई पत्थर नहीं है? ना जी। तो मायावती जी का प्रभाव है नहीं दलितों पर कुछ? भाई है तो जी। तो आप लोग बात पे क्यों पसंद कर रहे हैं भाई? इसके उसमें टाइम बचवा, यहाँ पे अच्छा इनमें टाइम अच्छा रहा। हाँ, चुनाव में क्या होना चाहिए आपके अनुसार? भाजपा होनी चाहिए। भाजपा होनी चाहिए। हाँ ठीक है। देवेंद्र त्यागी। त्यागी जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। ये पाँच साल कैसे निकले? पाँच साल तो भाई एक सबसे बड़ी तो इसमें सुविधा रही पुलिस की। पुलिस की? हाँ, कोई गुंडागर्दी नहीं रही। हाँ, इस राज में। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया काम करा इन। हाँ, किसानों की इन माचोत दी। हाँ, बहुत बहुत ना बिल्कुल खत्म कर दिए हम। हाँ, देख मैं तो यूनियन का आदमी सुधी गाड़ी दूंगा। हाँ, गाड़ी दे या न करो, पुलिस ने हमारी बहुत सहायता करी। हाँ, वो खत्म कर दी। और रही बात या वोट की। हाँ, दिल तो भाजपा के ला रहा, वोट देंगे हम राज्यपाल की। ऐसा क्यों भाई? राज्यपाल हमारा खास आदमी है। और उमेश जी? यूनियन का। उमेश जी में क्या दिक्कत है? यूनियन का नहीं, हम यूनियन के आदमी वादे, एकदम सीधी बात बात, यूनियन से हटका हम। भाजपा तुम्हारा दिल है? दिल। वोट तो, एक बार यूनियन क्या है फिर? तू एक बात तो सुन, मारी एक सीट निकलेगी तो भाजपा हार गई क्या? नू बता दे हम। तो भाजपा को जिताओगे नहीं जिताओगे तुम? नहीं, हम अपनी सीट से क्यों जिताऊंगा? अच्छा, नहीं तो हम दिखाना हमारे मत दम है। राज्यपाल जी को जिता गया? हाँ, राज्यपाल जी को दिखाकर नू दिखाना योगी जी को हमारे मत दम है। ठीक है, बस सरकार किसकी बननी चाहिए? योगी की। सरकार योगी की? हाँ। विधायक राजपाल जी? राजपाल जी। अब भाजपा ने ऐसी जैसी कर दी? नहीं, भाजपा भाई वो तो देख किसान की तो कर रखी। देख इसमें तू भी जान रहा, हम भी जान रहे, लोगों के तन्ने होर के भी सुने होंगे, हमारे भी सुने होंगे। अक्सर सबसे बड़ी कमी इन सब काम बढ़िया करे, कोई काम इनने सानी छोड़ा जो बढ़िया नहीं करा। एक तो इन गरीबों को राशन बांट कर हमारी माँ छत दी। जब मारा राशन तू फ्री बांट रहा तो मारो मजदूर कौन आ जाएगा खेती में? दिल कैसा होगी फिर? दिल तो एक बात तो सुन, मैं बजा जा रहा अंतर रात को जा रहा, बाहर का लोटा टच भी नहीं करता कोई। अच्छा जी। और नहीं तो यहाँ तो 4 बजे रास्ता बंद हो जाता पोवाड़ा। तो आप कौन सा सरकार भाजपा के नहीं चाहिए, विधायक राज्यपाल बनना चाहिए? हाँ बस ठीक है। ओके भाई। आपका? मेरा नाम तो सतेंद्र। सतेंद्र जी किसान है आप? हाँ। 5 साल में भाजपा सफल रही नहीं रही? सफल रही। कैसे सफल रही? हर चीज में सफल रही। मैं गरीबों को ना अनाज दिया इसमें, पेंशन बांधी गरीबों की, और सारे काम सड़क बनाए दी, देश के चारों सीमा पर जवानों को दे दिए, और क्या चाहिए? सब बढ़िया रहा? हाँ सब बढ़िया रहा। मिल की पेमेंट के क्या हाल है? मिल की पेमेंट ढेर बढ़िया चल रही। नगद के क्या हाल है? डंगरों के तो बढ़िया बढ़िया है वो तो, और पशु हम ही तो छोड़ रहे, तो वो तो मेरी गलती मेरी, उसकी क्या समस्या नहीं आपको? ना हमको कोई समस्या नहीं। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी? विधायक जी तो बढ़िया रहे। तो अब तो भाजपा आनी चाहिए आपके? भाजपा ही आओगी? आ गई। आ गई। हाँ। क्या नाम है जी आपका? वो आप बताइए क्या नाम है? सहदेव त्यागी, मास्टर सहदेव त्यागी। मास्टर जी क्या लगता है, मास्टर जी हैं आप, रोजगार मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा? कैसा भाई, जो रोजगार मेहनत करेगा उसे रोजगार मिलेगा? रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, करने वाले को किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं कमी नहीं। और नंबर दो वालों को तो दर्द है ही, दर्द तो नंबर दो वालों को। अच्छा, दर्द कैसा है नंबर दो वालों को? भाई काला बाजारी का। तो काला बाजारी बंद होगी अब? हाँ, काफी हद तक। काफी हद तक? हाँ जी। हाँ कम है, इतनी तो है नहीं। कह दे भाई एकदम आटे में एकदम नमक ज्यादा भी पड़ जा कम भी हो जा, इस तरह से तो है नहीं एकदम, तो एक ही दम बन जाओगे तुम टाटा बिरला। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी बढ़िया रहे। क्या दिया बुढ़ाना को विधायक जी ने 5 साल में? क्या दिया? क्या दिया? जो सब जो पौजाना लिया वो सब उन नहीं दिया, सब अपने घर से है, विधायक हो या कोई भी हो। हाँ, चुनाव में क्या होना चाहिए आपके अनुसार? है जी, चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में भाई वो तो हर आदमी की अपनी अपनी अलग इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी तो इच्छा बीजेपी की है। बीजेपी की है? पक्का। ठीक, मोदी भाई। मेरा नाम तो इनाम है। इनाम क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी कराया नहीं, किसानों की मजदूरी कर रहे हैं। जब इनाम किसानों को मजा नहीं आ रहा, हमें मजा नहीं आ रहा। 5 साल में क्या समस्या रही? समस्या रही बाणगढ़ा मतलब कमा रहे 300 रुपए और खर्च रहे 500 रुपए मेरे महंगाई में, पेट्रोल पे भी डीजल पे भी, और भाई घर के खर्च हर चीज महंगी। अच्छा, महंगी हो रही? हाँ, हर चीज महंगी हो रही। नुजुत्तर फट रहे मेरे महंगाई में, बताओ कालो कालो पूरा फटेंगे हम। विधायक जी कैसे रहे?
बामा नहीं पता विधायक जी का, मतलब पता सरकार का बा मारा मैं धनी आज सरकार में, मतलब हमें तुम्हें पता भाई मतलब महंगाई ज्यादा हो रही। तो मजा किसकी सरकार में होगा फिर? बा मजा तो पता नहीं किसकी सरकार में होगा, हमें पता पर महंगाई ढेर हो रही। तो वोट तो दोगे नहीं दोगे? वोट तो दे देंगे जिसे देंगे, पर महंगाई कम होगा जिम्मे जाओगा, हम तो मजदूर आदमी। आपका? मेरा नाम मांगेराम है जी। मांगेराम जी आप भी किसान है? जी हाँ। सबसे बेहतर किसानों के लिए अभी तक कौन दिखता है आपको? भाई बेहतर किसानों के लिए तो ये सरकार है नहीं। अच्छा, किसानों के लिए तो ये कुछ नहीं। पाँच साल बताइए किसानों के लिए कैसे निकले? पाँच साल बिल्कुल बेकार निकले, कोई फायदा नहीं। पाँच साल में 25 रुपये बढ़ाए और अब पोटास का कट्टा 1750 का हो गया, 900 तो 1750 ये किसानों को दे रहे हैं। अच्छा, मिल की पेमेंट की क्या हाल है? मिल की पेमेंट तो चलो हो रही है एडवांस इसी मिल की, तो और मिल है जिनका पिछले साल का अब तक बका रह रहा है। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी तो यहाँ एक सड़क पढ़वाया गया था, वहाँ पहाड़ का गिर गए, वहाँ पड़ी चुकी तू कभी नहीं दिखे, पफर दिखे ही नहीं, पढ़वाया गया उद्घाटन करके, और हम किसानों को इतनी दिक्कत आ रही, बहुत बुरा हाल हो रहा। अच्छा, चुनाव है अब, क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन सा ही रहेगा? देखो चुनाव के बारे में कह तो सकते नहीं कुछ, पर ज्यादातर चांस हमारे यहाँ हमारी सीट के तो राजपाल जी के यहाँ, दो बार पहले विधायक रह चुके, बिल्कुल सज्जन ईमानदार, आज भी वही इनके यहाँ झुका तू जो था जो पहले रहे यहाँ, आज भी उनके यहाँ वही घेर है, वही घर है उनका, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये यहाँ विधायक रहे मंत्री हैं, इनके यहाँ जाकर देख लो कितना माल कैसे कैसे इकट्ठा कराया, बताओ। तो आपके अनुसार गठबंधन सही है? हाँ जी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।